किस लिए गिराया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर बाबा हैं और बुलडोजर बाबा कुछ भी कर सकते हैं। तो सर हम लोग आतंकवादी थोड़ी हैं, हम लोग एक व्यापारिक हैं, बिजनेस करते हैं सर। हर जगह पर लूट मार चल रही है, हर जगह पर कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। थाने में जाओ तो बैठा लिया जाता है, बड़ा आदमी जाता है, नेता नगरी जाती है तो वहाँ पे कुर्सी दी जाती है, गरीबों के लिए ज़मीन दी जाती है। आतंकवादी तो सर यहीं पे पाए जाते हैं, वो पुलिस प्रशासन ही बनाती है सर। हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस के आधार पे परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन हमें पार्टी टिकट क्यों देगी? इसलिए कि हमारे पास ऐसी सुविधाएँ नहीं है जिससे कि जो है हम चुनाव लड़ सकें। तो जब तक गरीब आम जनमानस को टिकट नहीं मिलेगा तब तक सुधार कुछ नहीं होगा। धन बल की बात है तो अब आज का दौर ही ऐसा हो गया है कि बिना धन के आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, चाहे गांव की प्रधानी हो और चाहे जिले की सांसद ही हो, सबके लिए पैसा चाहिए। वोटर भी ऐसा हो गया है कि वो बिना पैसों के आपको वोट नहीं देगा। उसके लिए आपको, आप किसी गरीब को चुनाव में खड़ा कर दीजिए, उसके पास गाड़ी नहीं होगी, 10 लोग नहीं होंगे, शाम को जो उसके साथ प्रचार करता है उसको शाम वाला चाहिए भी, बिना पैसे को कौन देगा? गरीब आदमी जातिवाद पे ही होगा और जातिवाद पे ही टिकट मिलते रहे और जातिवाद पर ही चुनाव होगा। और विकास को केवल झुंझुना है, जो जात चीज़ें उन्हीं की फोटो दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। पर अब भी गरीब जनता गरीब ही रह रही है, वह आदमी बड़ा बनता जा रहा है पर गरीब अब भी गरीब ही है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। हम इस समय खड़े हैं सर स्थित पटेल नगर चौराहे पे और हम जानेंगे कि आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वह किस मुद्दे पे होगा, जातिगत मुद्दे पे होगा या विकास के मुद्दे पे होगा। आइए हम स्थानीय जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी चुनाव किस मुद्दे पे होने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन मल्होत्रा है। और जहाँ तक आपके विकास की बात है तो बड़ी कच्छप गति से विकास हुआ है फतेहपुर का, लेकिन उन चीज़ों का विकास नहीं हुआ शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा के आधार पे जैसे सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त होती है वो कॉन्वेंट से कम है। इसकी मांग रखी गई थी कि हमारे गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट शिक्षा कम से कम कम शुल्क में दिलाई जाए। अगर शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा तो हम इसको विकास नहीं मानते। चिकित्सा में जिला अस्पताल में जो चिकित्सा प्राप्त है सभी को मालूम है, जनमानस बेहाल है, त्रस्त है, चिकित्सा प्राप्त नहीं कर पाता है और जरा सा गंभीर बीमारी होने पर उसको रिफ़र कर दिया जाता है जो अपीड़िया से व्यक्त होता है। तो अगर विकसित योजना की बात करें तो शिक्षा और चिकित्सा अगर दो चीज़ों को विकसित कर लिया जाए तो शायद विकास की अच्छी पहल हो जाए। साथ में पिछले 20 वर्षों से नगरवासी हमारे सीवर मांग रहे हैं, अभी तक सीवर नहीं मिल पाया है। विकास से हम बहुत दूर हैं, पीछे हैं। 20 सालों से हम बहनों और माताओं के लिए प्रसाधन सुविधा मांग रहे हैं, आज तक नहीं मिल पाया। हम विकास से बहुत पीछे हैं, चौराहे बनाने देने से विकास नहीं होता, मूलभूत सुविधाओं को उज्ज्वल करने से विकास होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार आए, बने प्रतिनिधि आए, वो इन छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देकर विकास करे। और आगे मुझे लगता है कि विकास पे तो चुनाव लड़ा जाता है, विकास कहा जाता है, लेकिन आखिर में वो जातिगत हो जाता है क्योंकि पार्टी भी जो है वो जातिगत टिकट पार्टी। जी, हमारे साथ समाजसेवी हैं खड़े के साथ में, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी चुनाव किस मुद्दे पर होने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक तपस्वी है। जो मुख्य मुद्दा है अगर हम बात करें तो अन्नदाताओं को, किसानों को लेकर है ये मुद्दाएँ हमारे पास। किसानों की आप जो दुर्दशा है इस समय आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है इनकी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं किसानों को लेकर, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाती। उसका कारण सरकार तो दोषी हो नहीं हो सकता, हो सकता है कि हमारे इस ज़िले के प्रतिनिधि की कमी की वजह से ऐसा दिक्कतें बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं इनके द्वारा जो ये बात रखनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में रखी जाए चाहे विधानसभा में रखी जाए, ये लोग कोई बात रखते नहीं। आप देखेंगे जो गांव के सड़कें हैं, आप शहरों के सड़कों में तो कुछ सुधार आ रही है, लेकिन जो गांव के सड़कें हैं उनकी ये हालत है कि वहाँ पर आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे गांव के सड़कें हैं जहाँ विकास की अगर हम बात करते हैं, कि विकास तभी हो सकता है जब किसान हमारा जो है वो खुशहाल होगा और जब किसानों को सही मूल्य मिलेगा अपने अनाजों का। गवर्नमेंट तो अपनी योजना बिल्कुल तैयार है, उनके पास योजना है, वो अपने कार्यों में बिल्कुल परफेक्ट है। इनके लिए तो गवर्नमेंट को हम दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन आखिर जो बिचौलिया है हमारे यहाँ पर, अभी जैसे गेहूँ की खरीद होनी है, अब गेहूँ की खरीद में बड़े बड़े व्यापारी बाहर से ही आ गए, वो अपने व्यापार अपना शुरू कर दिए। ठीक है, किसानों को लाभ मिल रहा है इससे, लेकिन और भी जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे
वेयर हाउसेस की कमी है, किसान अपना मान लीजिए अनाज नहीं बेचना चाहता तो वो सोचता है कि मैं इस अनाज को रोक कर बेचूँ, तो इसके लिए वेयर हाउसेस की ज़रूरत है, जहाँ पर ऐसे वेयर हाउसेस बने। और इसके अभी जैसे भाई साहब भी बता रहे थे सीवरेज को लेकर, ये सीवरेज का तो जब से देश आज़ाद हुआ जब से इसका अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ज़िला है, जो शहर है फतेहपुर, जो नगर है, ये यहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो पानी के लिए मतलब दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि हमारे यहाँ कोई नदी का पानी नहीं आता है फिल्टरों के, हम लोग अंडरग्राउंड के ही पानी पीते हैं। लेकिन आज जो हमारे शहर के अंदर जितने भी आप देखेंगे जो सेप्टिक टैंक है वो सब ग्राउंड पे ही है और वही पानी नीचे जाता है, उसी पानी को लिफ्ट करके हम लोग आज ले रहे हैं। इसलिए आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पेट का रोगी नहीं होगा, हमारे शहर की ये हालत है। बाकी सरकार तो अपने प्रयास में लगी है, लेकिन आम जनता का से भी हमारा यही एक अनुरोध रहेगा कि आप ऐसे प्रतिनिधियों के चयन करें जिससे कि वो आगे ऊपर तक बात अपनी पहुंचा सके, पार्लियामेंट में अपनी बात को रख सके, ऐसे प्रतिनिधियों के हम लोग चयन करें। चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा देखिए जाति आधार पर तो ये चलता ही है और समीकरण जाति आधार पर ही उन्हीं को चुना जाता है। यहाँ उस व्यक्ति को नहीं चुना जाता है कि जो कर्मठ है, जो योग्य है, ये जाति आधार पर चुनावी मुद्दा है। और इस बार भी चुनाव बढ़िया रहेगा और मुझे लगता है कि दोबारा जो 2024 जो है ये जो हमारी सरकार है इसी के पक्ष में जा सकती है। ये एक युवा साथी हैं वकील, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि चुनाव आगामी जो होने वाला है किसी जी क्या नाम है? अभिषेक राय। चुनाव का मुद्दा तो शुरुआत से तो यहाँ हर जगह जो है शुरुआत तो विकास के नाम पे होता है, लेकिन लास्ट में आते आते वो कहीं ना कहीं जातिवाद बदल जाता है, क्योंकि उन्हीं को टिकट मिलता है जिनका समीकरण जाति से ज़्यादा हो, उन्हीं को पार्टियां टिकट देती हैं अपने अपने हिसाब से। जो विकास पुरुष को कोई चुनता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ना उनको टिकट मिलता है विकास पुरुष को, क्योंकि वो पैसे से कहीं ना कहीं जो है उनके पास नहीं होता है, या तो यहाँ तो आदमी उनको चुनता है जो माफिया हो, भूमाफिया हो, उन्हीं को सरकार टिकट देती है, वही आते हैं। जो भूमाफिया होंगे वो विकास करेंगे, विकास के नाम पे लोगों का दोहन करेंगे। क्या लगता है आपको चुनाव किस मुद्दे पर होने वाला है? चुनाव जो है शुरुआत तो वही विकास विकास मुद्दे पे करते हैं सब लोग, और बाद में वो जातिगत बदल जाता है, जातिगत ही चुनाव होगा यहाँ का। एक व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव का क्या रहेगा, विकास के चुनाव होगा या जातिगत चुनाव। जी क्या नाम है? क्या लग रहा है चुनाव जो होने वाला, लोकसभा चुनाव क्या किस मुद्दे पर होने वाला? लोकसभा चुनाव जातिगत मुद्दे पर होगा, लेकिन सर एक दिक्कत ये आती है कि अपने फतेहपुर में ज़्यादातर सांसद प्रत्याशी, आप 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में सांसद प्रत्याशी सभी बाहर से आए और बाहर से आकर प्रत्याशी यहाँ आए, चुनाव लड़े, जीते, लेकिन यहाँ की जनता का कभी सुध नहीं आई और विकास के नाम पे सिवाय भ्रष्टाचार ही मिला। किसी भी विभाग का भ्रष्टाचार आप स्वतः ही देखते हैं, हर विभाग में ठेकेदारी प्रथा से विकास हो रहा है और ये विकास इसी तरीके निरंतर चलता है, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी गरीब व्यक्ति को टिकट नहीं देती है। हम चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन हमें पार्टी टिकट क्यों देगी? इसलिए कि हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे कि जो है हम चुनाव लड़ सकें। तो जब तक गरीब आम जनमानस को टिकट नहीं मिलेगा तब तक सुधार कुछ नहीं होगा, सिवाय जातिगत आधार पर टिकट बांट दिए जाते हैं और उच्च स्तर पर जो बैठे लोग हैं जो यहाँ की जनता को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना कभी आते हैं ना जाते हैं ना कोई भी मतलब रखते हैं, और संसद में बैठ के और टेंशन लेते हैं, इसके बाद अपना काम करते हैं, 5 साल काट के चले जाते हैं। यहाँ क्या इस फतेहपुर जनपद में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ के आदमी को टिकट दिया जा सके? क्यों बाहर के प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है? इसलिए कि वो आके चले जाएंगे और जब दोबारा कोई आएगा तो वहाँ जाके बताएंगे कि बहुत मैंने वहाँ पे विकास किया है। ये विकास विकास ही विकास है। चुनावी मुद्दा क्या होगा? जातिवाद, सिर्फ जातिवाद और कुछ? जी आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग भी है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि चुनाव जो होने वाला किस मुद्दे पर होना है। जी क्या नाम है? जी कृष्ण कुमार तिवारी नाम है, व्यापार मंडली का जिला अध्यक्ष। और हम आपको विकास के बारे में बता दें तो अगर आप गिनने जाएंगे तो विकास के बारे में तो हमारे यहाँ कोई विकास नहीं। अब उसका कारण बता दें, केवल रोडे बन जाना, चौराहों का विकास, चौराहे बन जाना, ये विकास नहीं। विकास के स्तर में हमको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ बिजली व्यवस्था क्या है,
बिजली व्यवस्था के नाम पे अगर यहाँ पे जरा से आंधी तूफान आ जाए तो 33,000 केवीए फॉल्ट हो जाता है, और 33,000 हाई टेंशन टूट जाने के बाद दो दो तीन तीन दिन तक बत्ती नहीं आती है। लोग परेशान हैं, अगर जाके जिम्मेदार लोगों से बातचीत पूछी जाए तो कहते हैं कि ऊपर से बजट नहीं आता है और यहाँ के लोग पैसा नहीं जमा करते हैं, जबकि यहाँ का इस समय 70-80% कम से कम जमा हो रहा है राजस्व, ऑनलाइन लोग पेमेंट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अच्छा है, परंतु यहाँ दलाली के चक्कर में लोग जो है परेशान किए हुए हैं। दूसरा यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, इंटर के बाद से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अच्छा कॉलेज नहीं है जहाँ पे बच्चे पढ़कर मन लगाकर और आगे कोई तरक्की कर सके, लोग बाहर भाग जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज, जो जहाँ पे अच्छा शिक्षा का व्यवस्था हो, ये बहुत बड़ी मांग है जो कि अभी तक यहाँ पूरी नहीं हुई, हम लोग 2023 में खड़े हैं। इसके बाद हमारे यहाँ रह गई स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी हमारे यहाँ अगर जरा सा भी कोई बीमारी आजारी होती है तो सदर अस्पताल एकमात्र उपचार के लिए साधन है, और उसके बाद भी उसमें हमको बाहर भगा दिया जाता है, तुरंत रेफ़र कर देते हैं। अगर थोड़ा डेंगू का भी मरीज है यहाँ पे तो डेंगू का मरीज़ भी कानपुर रेफ़र हो जाता है, यहाँ पे उसका इलाज नहीं होता, और यहाँ पे पैथोलॉजी लैब भी उतनी ऑथेंटिक नहीं है कि यहाँ पे अच्छी जाँचों के नाम पे लोगों को सही से संतुष्टि मिल सके कि हमारी जाँच सही हुई है, लोगों को यहाँ की जाँचों पर विश्वास नहीं है, यहाँ पर ये भी कमी है। तीसरा यहाँ पर सफाई को लेकर है, गवर्नमेंट सफाई में बहुत पैसा कर रही है, खर्चा कर रही है, पर रोडों को छोड़कर आप गलियों में घुस जाएं, आपको नालियां बजबजाती हुई, मच्छरों का प्रकोप, और पूरी तरीके से क्लोरिनेशन ना होना, पानी की स्वस्थ व्यवस्था, स्वच्छ जल ना उपलब्ध होना, ये बहुत भारी कमियां हैं जो कि अभी हमको चाहिए। यहाँ पे आते तो बहुत लोग हैं कई मुद्दे लेकर, परंतु उन मुद्दों को लोग केवल कहकर चले जाते हैं, फिर 5 साल झांकने नहीं आते हैं, किसी गली में नहीं घुसते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ पेपरबाजी होती रहती है और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ विकास नहीं है, और आगे आने वाले समय भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा आशा नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा यहाँ पे वो विकास के लिए यहाँ पे मरेगा। यहाँ कुछ समाजसेवी हैं जो डट कर समाज सेवा करते हैं, अगर जनता, अगर पार्टियाँ उनको चुने और जनता उनको चुनकर भेजे तो हो सकता है कि यहाँ विकास कुछ हो सके, बाकी तो सब पैसे का है, लोग पैसा लगा के आते हैं और पैसा लगा कर ही यहाँ से कमा के जाना चाहिए। क्या मानना क्या मुद्दा यहाँ पे देखिए, विकास तो है नहीं, जातिवाद पे ही होगा और जातिवाद पे ही टिकट मिलते रहे हैं और जातिवाद पर ही चुनाव होगा, और विकास तो केवल झुंझुना है जो जात पात चीज़ें उन्हीं की फोटो दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आइए हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव जो होने वाला आगामी वो किस मुद्दे पर होगा। जी क्या नाम है आप? मेरा नाम सूर्य प्रसाद है, मैं 7 मिनट में रहता हूँ, और वहाँ दुकानों में कल परसों नोटिस चस्पा हुई और कल ही 10 घंटे के अंदर वहाँ बुलडोजर चला के सब गिरा दिया गया। जब वहाँ नोटिस चस्पा हो जाए तो उसके बाद में 7 दिन का या 10 दिन का समय देना चाहिए, उसके बाद में वहाँ कार्यक्रम हटाना चाहिए। तो यहाँ कहाँ विकास हुआ? अगर कोई वहाँ कुछ आवाज़ उठाता है तो वहाँ के जो हो हैं सब लोग बड़े प्रशासन लोग सब लोग दबा देते हैं, समझ लीजिए। ऐसा हुआ वहाँ कम से कम 80 लाख का नुकसान हो गया, तो यह कहाँ विकास हुआ? विकास तो मैं नहीं मानता उसको। तो चुनाव किस मुद्दे पे होगा? चुनाव केवल जातिवाद पर होगा, विकास यहाँ नहीं होगा। विकास ऐसा, गरीब पर विकास कहाँ वहाँ होता है? वहाँ पर सब झोंगे वाले युवा वाले गोमटी लगा के कमाने वाले आदमियों की सारी गोमटी की आदि के वहाँ समोसा बना के अपनी रोटी अर्जित करने वाले को वहाँ से हटा दिया, भगा दिया, वहाँ का विकास होगा? इसलिए विकास के नाम पर चुनाव नहीं होगा, जातिवाद पर चुनाव होगा, यह मेरा मानना है। जी हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शुभम मिश्रा है। विकास नहीं हुआ ये गलत बात है, विकास हुआ है, लेकिन हमारा जनपद बहुत पिछड़ा था, विकास धीरे धीरे हो रहा है। और जहाँ तक बात है यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं फतेहपुर के, जैसे सीवर लाइन का मुद्दा है, ये दशकों से चला आ रहा मुद्दा है। यहाँ के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं 2 बार से, तो उन्होंने भी वादा किया है कि फतेहपुर को वो सीवर लाइन जरूर दिलवाएंगी, वो लगातार प्रयास भी कर रही हैं। हाँ कुछ चीज़ें हैं, अब जहाँ तक चुनाव किस मुद्दे पर होगा, जातिगत मुद्दा होगा कि विकास का मुद्दा होगा, तो यूपी के अधिकतर जिलों में यही हाल है, विकास है, भाजपा ने विकास खूब कराया है, लेकिन चुनाव धीरे धीरे वो जातिगत मुद्दे पर हो जाता है। और जहाँ तक धन बल की बात है तो अब आज का दौर ही ऐसा हो गया है कि बिना धन के आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, चाहे गाँव की प्रधानी हो चाहे जिले की सांसद ही हो, सबके लिए पैसा चाहिए। वोटर भी ऐसा हो गया है कि वो बिना पैसों के आपको वोट नहीं देगा, उसके लिए आपको, आप किसी गरीब को चुनाव में खड़ा कर दीजिए, उसके पास गाड़ी नहीं होगी, 10 लोग नहीं होंगे, शाम को जो उसके साथ प्रचार करता है उसको शाम वाला चाहिए भी, तो बिना पैसे को कौन देगा गरीब आदमी? क्या लगता है चुनाव विकास का मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा है, भाजपा ने खूब विकास कराया है, जनपद पिछड़ा हुआ था, विकास लगातार चल भी रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ जातिगत मुद्दा भी होगा, दोनों मुद्दे होंगे। आइए हमारे साथ एक महिला भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। जी
क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं वर्तमान में महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा भी हूँ। और विकास के नाम पे यहाँ पे विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ। सड़कें बन गई, चौराहे बने हैं, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए कि एक फतेहपुर का नाम उभर के आए, स्वच्छता दिखाई दे, स्वच्छता के नाम पे जीरो है। स्वच्छता तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है और मच्छरों की भरमार है। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा निकट समस्या है महिलाओं के प्रसाधन की। हम लोग मार्केटिंग के लिए महिलाएं निकलती हैं, उनकी एक ही ये रहती है कि हम लोगों पर जाते प्रसाधन नहीं है। और मांग किया गया यहाँ के जो सांसद है, जो विधायक है, आज कई साल से उनसे ये मांग रखी जा रही है कि महिलाओं के लिए एक अलग वहाँ पर सब जगह बनना चाहिए अलग प्रसाधन। उसके बाद सफाई कर्मी भी जो है वो सफाई नहीं हो पाती है यहाँ जो होना चाहिए। क्या मानना है चुनाव किस मुद्दे पे होने वाला है? चुनाव तो इसी मुद्दे पे होगी कि विकास होना चाहिए, सबका विकास सबका साथ, ये तो नारा ही है। तो इसलिए सबको एक गरीब तबके को भी लेके और एक अमीर तो आगे चलते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम महिलाओं और युवा वर्ग को भी आगे आना पड़ेगा। कुछ रागी साथी भी अपने साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं चुनाव जो आगामी होने वाला किस मुद्दे पे होने वाला। जी क्या कहना आपका चुनाव जो होने? चुनाव तो होगा ही, खैर ऐसी बात नहीं है, पर जो है यहाँ गरीब जनता बहुत गरीबी से झेल रही है। पहले की अपेक्षा थोड़ा जो है यहाँ पे सुधरा हुआ है, पर अब भी गरीब जनता गरीब ही रह रही है। बड़ा आदमी बड़ा बनता जा रहा है पर गरीब अब भी गरीब ही है। यहाँ का इसी वजह से बहुत पिछड़ा हुआ है, ये हमारा फतेहपुर जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको अभी तक कोई बाहर नाम बताओ तो कोई जानता नहीं है। जैसे बाहर जाओ कहीं बताओ कि फतेहपुर के रहने वाले, तो कोई नहीं जानता फतेहपुर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इस वजह से ये थोड़ा ऊपर आना चाहिए, फतेहपुर को लोग बाहर जाने, ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। तो इस वजह से हमारा मानना है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो बना हुआ है पर अभी चालू नहीं हुआ है, वो चालू होना चाहिए और वहाँ पर सब सुविधाएँ होना चाहिए जो जिला अस्पताल पर नहीं है सदर में हमारे। तो मानना क्या आपका, क्या चुनाव की होती है? चुनाव तो सर होगा, खैर ऐसी बात नहीं है, भाजपा तो सरकार सही लगी ऐसी बात नहीं है, और सरकारों से ठीक है, पर जो है यहाँ जो और सुधार हो जाए तो और बेहतर हो जाएगी, ये सरकार अच्छी चलेगी। मुद्दा क्या रहेगा ये बताइए? मुद्दा तो वही रहेगा जो है जाति। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं, उससे भी बात करते हैं कि चुनाव जो होने वाला किस मुद्दे पर होने वाला, क्या स्थिति है। सर मेरा नाम आसिफ अहमद है। यहाँ का जो चुनाव है बेसिकली तीन फंडों पर आता है, पहला जातिवाद, दूसरा बेरोजगारी जो लोगों ने झेली है, बहुत भयानक झेली है। जब नोटबंदी हुई उसका भी बहुत ही जो हमारा अर्थव्यवस्था गिरी। तो यहाँ जो मेन मुद्दा फतेहपुर का है वो बेरोजगारी है, क्योंकि आज के युवा जो जितने भी हैं, चाहे वो BTC किया हो, BEd किया हो, चाहे जिस प्रांत से आया हो, पढ़ लिख कर आया है, ये सोच कर आया है कि भाई रोज़गार देगी सरकार, रोज़गार देगी, लेकिन सरकार रोज़गार देने में असमर्थ रही। लेकिन अब यहाँ पर हिंदूवादी भी लोग हैं, उनकी विचारधारा का भी लेकर आ रहे हैं, और जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि हिंदुत्व बनाएंगे, हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे, तो देखिए इसमें हो सकता है कि इस बार भी भाजपा ही जीते यहाँ से। आइए हमारे साथ और भी एक युवा साथी है, उनसे भी हम बात करते हैं क्या स्थिति है जिले की और आगामी जो चुनाव होने वाला किस मुद्दे पे होने वाला है। जी क्या नाम है आपका? अखिल वाजपेयी मेरा नाम है, मैं मूल निवासी हूँ, फतेहपुर का ही हूँ। सर यहाँ पे विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ गुंडागर्दी बहुत हो रही है। गुंडागर्दी में कोई रोक भी नहीं है, वो चाहे प्रशासन हो, चाहे भाजपा का आदमी हो, चाहे कोई भी हो। मैं कल, मेरा साथ मिल में दुकान है, वहाँ के लोग में अतिक्रमण के नाम पे दुकानें टीन हटा दी गई हैं, बुलडोजर चलाया गया है। NH हाईवे वाले थे सर, उनसे पूछा गया कि ये किस लिए गिराया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर बाबा हैं और बुलडोजर बाबा कुछ भी कर सकते हैं। तो सर हम लोग आतंकवादी थोड़ी हैं, हम लोग एक व्यापारिक हैं, बिजनेस करते हैं सर। हर जगह पर लूट मार चल रही है, हर जगह पर कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। थाने में जाओ तो बैठा लिया जाता है, बड़ा आदमी जाता है, नेता नगरी जाती है तो वहाँ पे कुर्सी दी जाती है, गरीबों के लिए ज़मीन दी जाती है। आतंकवादी तो सर यहीं पे पाए जाते हैं, वो पुलिस प्रशासन ही बनाती है सर। हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस के आधार पर परेशान किया जा रहा है। ये बाबा के नाम पे अधिकारी परेशान करते हैं, किसी का पर्सनल मैटर है तो उसको हल करिए ना। अगल बगल वालों को क्यों कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सबका टोरा जाएगा, जितनी दुकानें रोड में हैं, किसी की दुकानें तो रोड में नहीं थी, सबकी नाला की उस बार थी, जो सीमा रेखा है उसके सर उस बार थी।
बताया जा रहा है कि ये सब टूट जाएंगे। उसके बाद सर जी ये जो फतेहपुर का विकास चल रहा है सर, फतेहपुर के विकास में केवल अटल बिहारी पार्क बना हुआ है, उसमें कोई व्यवस्था एक अच्छी अंदर अच्छी व्यवस्था नहीं है जो कुछ किया जा सके। सर वो व्यवस्था तो हर स्कूलों में दी जा रही है। क्या मानना है चुनाव जो होने वाला किस मुद्दे होने वाला है? सर जातवाद की मुद्दे का चुनाव होने वाला जी। हमने स्थानीय निवासी से यहाँ पर बात किया तो उनका कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव स्थानीय मुद्दे पे होगा, कुछ का कहना है विकास पे होगा, कुछ कहना है जातिगत होगा। अब देखना ये है कि 2024 चुनाव में किस मुद्दे पे चुनाव होता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन पांडे के साथ नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर यूपी तक।